सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में क्या बताना हो ना, वो आप तो जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे कि जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपना फोटो अप्लाई कैसे कर सकते हो। यहाँ पे देखते हो, मैं जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के यहाँ पे फोटो अप्लाई कर चुका हूँ। अगर आप भी अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो अप्लाई करना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे शुरू से आपको डिफॉल्ट करके समझाऊंगा कैसे आपको जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो लगाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, तो आज को अपने जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के ऊपर और होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखते हो सारा का सारा सेटिंग मैं डिफॉल्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के ऊपर फोटो अप्लाई नहीं है। अभी आपको लाइव प्रूफ फोटो अप्लाई करके दिखाऊंगा जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जीबी सेटिंग। तो आपको जीबी सेटिंग वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यूनिवर्सल का ऑप्शन, तो सिंपली आपको यूनिवर्सल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कलर्स का ऑप्शन, तो सिंपली आपको कलर्स वाला आइकन पर क्लिक आपको कर देना है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूनिवर्सल कलर। उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर पर आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड का, तो सिंपली आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर्स वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो सो गाइस, यहाँ से आप कलर लगा सकते हो, यानी कि अभी यहाँ पे देख तो कोई सा भी कलर लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रेड पर क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ से आपको न्यू क्लियर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस, इस पर क्लिक कर दिया तो अभी यहाँ से बैक आते यहाँ पे देख सकते हो कलर यहाँ पे लग चुका है। सो गाइस, अब बताया मैं यहाँ पे फोटो अप्लाई अपना कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कलर अप्लाई की यहाँ पे अपना फोटो अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आपको फिर से 3 डॉट पे आना है, उसके बाद आपको जीबी सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद फिर से आपको यूनिवर्सल में आना है। सो गाइस, आपको यूनिवर्सल में फिर से आ जाना है, उसके बाद आपको कलर्स वाला आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको देखने मिल जाएगा बैकग्राउंड का ऑप्शन, तो सिंपली आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा 3rd नंबर पर यहाँ पे फोटो का ऑप्शन, तो सिंपली आपको फोटोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना मनपसंद जो मन करे आपका यहाँ से वो फोटो आप लगा सकते हो। सिंपली अभी मैं ये वाला फोटो लेता हूँ। फोटो लेने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा एक सेट वॉलपेपर का ऑप्शन, तो सिंपली आपको सेट वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ से आपको बैक आना है। अभी बैक आते हैं, देखते हैं फोटो लगा या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो सुबह से अभी फोटो लग चुका है मेरे जीबी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे कोई सा भी आप फोटो लगा सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे फोटो लगाया और इस फोटो को आप डिफॉल्ट करना चाहते हो, यानी कि हटाना चाहते हो, पहले जैसा कलर लगाना चाहते हो, तो सिंपली आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद जीबी सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद आपको यूनिवर्सल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से आपको कलर्स में आ जाना है। उसके बाद फिर से बैकग्राउंड पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से डिफॉल्ट कर दिया और यहाँ से आपको बैक आते हैं। बैक आते यहाँ पे देखते हो जो यहाँ पे जो है कलर्स का यहाँ पे फोटो यहाँ से गायब हो चुका है और पहले जैसा नॉर्मल व्हाट्सअप की तरह यहाँ पे हो चुका है मेरा जीबी व्हाट्सअप। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक लेके, तब तक के लिए बाय।